प्रेगनेंसी के दौरान निप्पल को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही जाती है, और वो बात ये है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं का जो निप्पल है उसका कलर डार्क हो जाता है या फिर अगर ये कलर लाइट हो जाता है, तो इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि होने वाला शिशु एक लड़का है या फिर एक लड़की है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या वाकई में ही जो निप्पल है इससे ये आइडिया लगाया जा सकता है कि होने वाला शिशु एक बेबी बॉय होने वाला है या फिर एक बेबी गर्ल होने वाली है, और ये निप्पल्स में चेंजेस आखिर क्यों आते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस में। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना हो और आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी बन सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर प्रेगनेंसी के दौरान निप्पल्स में चेंजेस आना शुरू कब से होता है। तो दोस्तों, जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, यानी कि जैसे ही आपका एग फर्टिलाइज होता है, उसके बाद से ही आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो जाता है, और प्रेगनेंसी के फर्स्ट वीक से ही आपके जो निप्पल्स हैं या फिर आपके ब्रेस्ट का जो साइज है, इसमें चेंजेस आना शुरू हो जाता है और एक बहुत बड़ा सिम्टम माना जाता है अर्ली प्रेगनेंसी का। अब बात कर लेते हैं कि जो निप्पल्स हैं अगर ये डार्क हो जाते हैं तो इसके पीछे क्या कारण होता है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, यानी कि आपके अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और भी हार्मोन्स होते हैं, उनका लेवल बढ़ने लगता है, और इन्हीं में एक हार्मोन होता है जिसको कहा जाता है मेलानिन। तो जो हमारी स्किन का कलर होता है वो डिपेंड करता है इस मेलानिन हार्मोन के ऊपर, यहाँ तक कि जो हमारी आइज़ का कलर होता है, आपने किसी की आइज़ देखी होंगी ब्राउन है, किसी की ब्लू आइज़ होती हैं या किसी की ब्लैक आइज़ होती हैं, तो ये भी डिपेंड करता है उनके अंदर मौजूद मेलानिन हार्मोन की वजह से। अगर मेलानिन का स्तर काफ़ी ज़्यादा है तो स्किन टोन ब्लैक होगा, आपके आइज़ का कलर भी ब्लैक होगा, और उसी की वजह से आपके निपल्स का कलर भी ब्लैक होगा। वहीं अगर आपके अंदर मेलानिन का जो स्तर है वो कम है तो आपकी स्किन टोन फेयर होगी, साथ ही साथ आपकी जो आइज़ का कलर है वो भी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होता है, वो लाइट ब्राउन या कभी कभी ग्रेश भी होता है, और बहुत कम केसेस में ये देखा गया है कि ब्लू आइज़ भी हो जाती हैं। तो टोटली ये सब कुछ डिपेंड करता है मेलानिन के ऊपर। अब बात कर लेते हैं कि निप्पल्स का कलर अगर डार्क हो जाता है तो वो क्यों होता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान मेलानिन का स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, और जिन महिलाओं में ये बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गया है तो उनके जो निप्पल्स का कलर है वो पहले से बहुत डार्क हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो आपके निप्पल्स का कलर है वो डिपेंड करता है मेलानिन के ऊपर, और प्रेगनेंसी के दौरान ये मेलानिन जो है काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है, काफ़ी हद तक ये बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके निप्पल्स पहले से ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। वहीं अगर सामान्यतः बात की जाए तो निप्पल्स का जो कलर है वो लाइट पिंकिश होता है या ब्राउनिश होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है आपके अंदर चेंज आते रहते हैं, इसका कलर भी चेंज हो जाता है, जो कि बिल्कुल सामान्य है और मोस्टली हर गर्भवती महिला में ये देखने को मिलता है। तो इससे आप ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं लगा सकते कि होने वाला शिशु बेबी गर्ल होने वाली है या फिर बेबी बॉय होने वाला है। इसलिए दोस्तों, अगर आपने भी ये बात सुनी है कि अगर आपके निप्पल्स का कलर डार्क हो रहा है प्रेगनेंसी के दौरान, पहले से ज़्यादा डार्क हो गया है, तो आपको एक बेबी बॉय होने वाला है, या फिर अगर आपको लाइट लग रहा है तो होने वाला शिशु बेबी गर्ल होने वाली है, तो ये टोटली झूठ है, इस पर आपको विश्वास नहीं करना है, ये एक मिथ है। और बहुत कम केसेस में ओल्ड वाइव्स की बातें होती हैं जहाँ पर ये 1% जाकर कभी कभी सच भी हो जाता है, बट डिपेंड ये आपके मेलानिन के ऊपर ही करता है। तो ये थी दोस्तों जानकारी कि निप्पल्स के कलर से आप बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल ये चीज़ का पता नहीं लगा सकते, यानी कि जेंडर प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।